Happy birthday to you. Happy birthday, dear Swami. Happy birthday to you. जोर से ताकत लगाओ. जा ये तो ब्लंडर हो गया. हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल. आई एम प्रिया. आयुषी के बाद इसका मुंह देख लो. आकाश श्रीवास्तव. अरे यार, घर की कहानी है ये हमारा तीसरा टेक है और सीटी बंद ही नहीं हो रहा है. खैर, आज रानी का बर्थडे का दिन है. सुबह के 9:30 से 10 बज रहे होंगे लगभग. एंड कल के व्लॉग में, एक दिन पहले के व्लॉग में आपने देखा कि रात के 12 बजे हमने ना रानी का बर्थडे बहुत हल्का मनाया, बहुत हल्का. लेकिन हमने डेकोरेशन भी ढंग से नहीं किया. बेचारा पसीना पसीना हो गया है मेरा भाई, बहुत थक गए हैं बेचारे. अभी सजाना भी आधा ही सजाए. बात सुनो, समरी सुनो फटाफट. तो वो हल्का डेकोरेशन के पीछे हमारा मोटिव था, ठीक है, क्योंकि आज कुछ इतना अच्छा होने वाला ना सिटी. भाई ऊपर में दांत आ ही रहते हैं, वो लोग का दांत नहीं है तो लोग सीटीए मार मार के खाते हैं खाना. तो सुनो, तो क्या बता रहे थे हम, हाँ, कल रात का हल्का इसलिए था क्योंकि आज इतना भयंकर होने वाला ना, इतना भयंकर होने वाला कि रानी अपने सपने में भी नहीं सोचेगी. ऑल्दो ये लड़का स्पॉइल करने के लिए हर वो काम कर दिया है. अरे हमको बता के नहीं रखी थी तो वो बात हम मुंह से निकल जाता गलती से. चुप रहो, सब बता के रखे थे. आपको पता है ये ऐसा आंटी है ना मोहल्ला की चाची कि जिसके पेट में कुछ नहीं पच सकता है. खैर, आज का प्लानिंग क्या है ना कि हम लोग रानी की दोस्त के घर जा रहे हैं और वो अपने पूरे रूम को डेकोरेट कर रही है. रानी को वो नहीं कर रही है, हम कर रहे हैं, आयुष कर रहा है. हाँ ठीक है ठीक है, यही दोनों कर रहा है. वो आपको बिहाइंड द सीन्स दिख जाएगा, ये शूट किया हुआ है, ठीक है. एंड रानी को कोई आइडिया नहीं, और तुम बताएगा नहीं चप्पू. हाँ ये भी जाके बता देता है, बता देगा चप्पू. चलो खैर, अभी निकलते हैं, लेट हो रहा है. हाँ तुम जाओ, ठीक है. हम बताते हैं आप लोगों को. तो आज का प्लान क्या है, तो रानी को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, बिल्कुल भी आइडिया नहीं है. और अभी तक तो वो सो भी रही है. इधर ना रानी के लिए बर्थडे का ड्रेस भी रानी के अकॉर्डिंग हम नहीं लिए हैं, लेकिन रानी के लिए हम बहुत सारा ड्रेस ले लिए हैं. बहुत सारा क्या, 3-4 ड्रेस लिए हैं, जिसमें से एक जो ड्रेस है ना वो इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, लाइक जो किसी का ड्रीम बर्थडे ड्रेस होता है ना, उस टाइप का ड्रेस है. उसके बाद क्या है ना कि हम लोग उसके घर पे जाएंगे, वहाँ पर पार्टी शार्टी होगी. पार्टी शार्टी होने के बाद सारे दोस्त आएंगे. कौन कौन से दोस्त आ रहे हैं रानी को वो भी आइडिया नहीं है. और वो भी जो थीम से हम लोग सजावट कर रहे हैं ना, वो भी देखने लायक है. आई डोंट थिंक आकाश ऐसा कुछ हुआ होगा ना अभी तक. भाई जाके ढंग से सजा देना, क्राउन वगैरह सब है ना ढंग से. मतलब रानी का जो बर्थडे का ड्रीम था ना, आई थिंक हाँ कल बोली मेरी ताज नहीं लाया तुम लोग. तो ठीक है, शाम में तो लिटरली बस शाम नहीं, रात के 12 बजे तो हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है. जान बुझ के उसका ना मुंह बन गया था, आप लोगों ने व्लॉग में देखा होगा, क्योंकि वो जैसा मेरे बर्थडे में सरप्राइज दी थी ना, उसको था कि दीदी लोग कुछ करेगी. बट ठीक है भाई, अभी आज का दिन तो सरप्राइजेस से भरा पड़ा है. दिन में दोस्तों के साथ, शाम में फैमिली के साथ, एंड फैमिली के साथ भी बहुत गिफ्ट है. खैर आपको हम बताते हैं कि कुछ कुछ गिफ्ट हम लिए हैं, तो सारा गिफ्ट अभी हम नहीं ले जाएंगे, ले जाने में बहुत झंझट है. और लिटरली मेरे लाइफ का ये पहला टाइम है कि हमको शॉपिंग किया है और 15 दिन से हम उसको छुपा करके रखे. रानी को कानों कान खबर नहीं है. और आकाश रानी के लिए इसका एक ड्रीम गिफ्ट है, हाँ वहाँ पर रखा हुआ है, वो भी हमने लिया. अभी हमको उसको पैक वैक करना है. एंड वो गिफ्ट के लिए रानी बहुत पहले से क्रेव कर रही थी. आकाश के व्लॉग में आप लोगों ने देखा है, वहां पर वो गिफ्ट है ना. हाँ. तो बस अभी हम सब जा रहे पैक करने. मतलब आज का दिन हम क्या बताएं, हम नहीं नरेट कर सकते हैं. बहुत सारी चीजें हैं जो कि मेरे मुंह पे आ भी नहीं रहा. केक वगैरह, एवरीथिंग इज जस्ट ऑसम. मतलब सुबह से शाम आप लोग भी देखोगे ना तो आपके आंखों को सुकून देगा वो चीज. तो थोड़े देर में मिलते हैं. और सारा गिफ्ट हम भी एक साथ नहीं देने वाले, वहां पर हम आधा गिफ्ट देंगे एंड आधा गिफ्ट हम शाम में देंगे और आधा गिफ्ट सोने से पहले देंगे, क्योंकि सारा गिफ्ट को एक साथ ले जाना पॉसिबल नहीं स्कूटी पर. ठीक है दोस्तों, अब सीधे मिलते हैं. कब नहीं पता, हम जा रहे हैं आकाश के साथ मिले. जाओ आकाश, बाय बाय. तो हम लोग उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पर हम लोग को रानी का बर्थडे का पूरा तैयारी करना है. और अभी इस रूम को पूरा सजा देना, पूरा ऐसा सजा देना कि पता ही नहीं चले कि ये रूम भी था. तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले, अभी तो जस्ट आए ही हैं, तो धीरे धीरे आप लोगों को व्लॉग में दिखाएंगे कि कैसे सजाते हैं, क्या सजाते हैं. सो जी दोस्तों, ये सारे गिफ्ट्स हैं रानी के. बाय द वे इतना सारा नायका का पार्सल नहीं है, नायका का केवल ये बड़ा वाला है. एंड इसमें और इसमें कुछ और है. एंड इसमें ये हमारी एक सब्सक्राइबर ने ही हमें गिफ्ट में दिया था. एंड ये पैकेजिंग मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत स्टर्डी है. इसके अंदर रानी का बर्थडे आउटफिट है जो कि आपको दिख गया होगा कलर इसका. बट आगे वेट करो देखने के लिए, दिस इज द ड्रीम ड्रेस. मतलब मेरे को तो पर्सनली बहुत पसंद आया. अब आप लोग देख के बताना आपको कैसा लगा. तो अभी हम जा रहे हैं फटाफट से सबको पैक कर लेते हैं, क्योंकि लिटरली टाइम नहीं है. और पैक करने के बाद आपको दिखाते हैं.
सो जी दोस्तों, ये देखो सारे गिफ्ट्स पैक हो गए हैं। अभी और कुछ गिफ्ट्स हैं मेरे, आई थिंक एक या दो जो कि आयुष के पास है, बाकी ये सब तो हो गया। एंड ये बड़ा वाला जो है ना, ये शाम में रानी को देंगे। इसके अलावा और भी गिफ्ट है जो कि हम लोग गए थे ना कल्याण ज्वेलर्स पेंडेंट लेने, वो तो पापा पहनाएंगे। तो ये मेरे साइड से, अकेला मेरे साइड से, और ये बाकी सारा गिफ्ट अभी देंगे। और ये जो नीचे दिख रहा है ना आपको, ये रानी का ड्रीम गिफ्ट है। तो आप लोग देख सकते हैं क्या हाल हो गया है। इधर देखिए, लगभग डेकोरेशन एकदम पसीना से तर बतर, मतलब कि इतना ज्यादा गर्मी है और यहाँ पर पंखा नहीं है। सबसे बड़ा बात, पंखा रहता भी तो चला नहीं पाते क्योंकि बलून सब लगा हुआ है। लगभग हम लोग का एंड पे है, बहुत मेहनत हुआ है। आयुष का एकदम हालत गंभीर हो चुका है, थोड़ा सा टचअप बाकी है और हम लोग को वो लोग को लेने भी जाना है। तो हम लोग जल्दी जल्दी काम निपटाते हैं और दीदी आएगी तो फिर आप उससे बात करेगी और फाइनल अपना जितना भी सच के तैयार है वो दिखाएगी। अभी लगभग दोपहर के 12 बज गए हैं, हम लोग थोड़ा सा लेट हैं। अरे यार रुक जाओ एक मिनट। एंड सुबह से हम रानी के सामने कुछ व्लॉग नहीं किए हैं, ना उसको व्लॉग में हम लिए हैं। एंड उसके मन में ये हो रहा है कि कर क्या रही है ये लोग, कर क्या रही है ये लोग। और साथ ही साथ ना, जैसे कि हम बताएं कि रानी का बर्थडे ड्रेस भी उसको नहीं पता है, तो हम बोलती है दीदी कोई बात नहीं, दीदी तुम नहीं ली बर्थडे ड्रेस, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, हम चिल हैं, मटेरियलिस्टिक नहीं है। एंड साथ ही साथ उसको ये भी पता है कि हम कोई चीज़ ना पेट में पचा करके दबा करके नहीं रख सकते, तो इसलिए वो मान भी गई कि ड्रेस उसके लिए नहीं है। और बाकी सैंडल वैंडल इस बैग में है। एंड उसको हम बिल्कुल मेकअप नहीं करने दिया, मेकअप वेकअप का सामान सब रख लिए। तो चलो इसमें गिफ्ट को भरते हैं एंड आई थिंक अब उसको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा, बट क्या कर सकते हैं, कोई ऑप्शन नहीं चाहो दोस्तों। तो जी आप लोग देख सकते हो इतने बड़े थैले में गिफ्ट है जो कि भर चुका है, एंड वहाँ पर एक गिफ्ट बाकी है जो कि नहीं ले जाएंगे, तो पहले इसको ले जा रहे हैं आज के लिए। तो चलो अब सीधे ना डेस्टिनेशन पर मिलते हैं रानी के साथ। सो जी हम लोग आ गए, ऑल द रानी को पता तो चल गया है कुछ तो है। रुको यार, चार फ्लोर पर चढ़े हैं तो फिर भी ये सब जो गिफ्ट है ना थोड़ा सजा धजा दे रहे हैं, अच्छा लगेगा। रानी नहीं है मेरे साथ, प्रीति दीदी है। रानी नहीं है, खोल सकते हो। तो जी दोस्तों, अंदर की सजावट कुछ ऐसी है आप देख सकते हो। और हमसे एक बड़ी गलती क्या हो गई ना, वो देखो सजा ही रहा है। हमसे एक बड़ी गलती क्या हो गई, हम टेबल नहीं लाए। अब हमारा भाई बनेगा हमारा स्टूल। और ये जो गिफ्ट्स है ना, अभी और आने वाले हैं। दीदी गई है प्रीति दी डिक्की में से लाने के लिए। घुसे जी, आर यू एक्साइटेड? हाँ, नहीं हम नहीं आने देंगे। खुश रहिए रानी। हैप्पी बर्थडे टू यू, भूतनी बन गई। How do you like the decoration? इतना अच्छा लग रहा था ये decoration। हमको कोई ऐसे करता ना जान लेता हूँ। Wine। रानी तुम्हारी है। Happy birthday to you, रानी। फू। फूको। हमने इसका फूक लगा तो जाएगा। पी लो। पी के फूके। कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सुंदर। ये सब gift देखो। हम gift देख लिए हैं। आते के साथ तो नजर उधर ही है, पर आज ही बंद है। बताओ कैसा लग रहा? बहुत अच्छा। क्या कैमरा में देख के बताओ? ओ हम से उधर और कुछ भी है। बहुत 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 अच्छा। सीरियसली मैं एक एक देख रहा हूं। मैं छू इधर, मैं छू पसी बोल रहा है कि लेवल चार्ज दे दो। सही में बहुत 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 ज्यादा अच्छा। सब किसी के बाद है ना, उसी में निकाल बाहर भी है। अरे रुक जा भाई, रुक जा, बोलो देखो, बंद करो बंद करो। नहीं सीरियसली यार दीदी, कहां से पर अच्छा आकार तो तुम लोग आके यही कर रही थी सुबह। चल इधर मुड़, पीछे मुड़। वाह इसके लिए इसको ऑस्कर दिया जाए। चलो सुनो रानी, ये तेरा सबसे पहला गिफ्ट। अनबॉक्सिंग होगा, थोड़ा सा जूम करके गिफ्ट को दिखाई जाए। हाँ, थोड़ा सा ये जानी उधर आ जा। गिफ्ट थोड़ा सा कैमरा में थोड़ा आ गया जी। उनका ना दिल धक्का हो रहा है, पीसी का सर में दिखाई दे रहा है। दिल धुकुर धुकुर हो रहा है। निकाल निकाल निकाल। स्वेटर है क्या? हाँ स्वेटर है। टेडी टेडी जैकेट। देख खोलेगी तो निकल जाए टेडी पूरा। स्कर्ट है ना? स्कर्ट है। फ्रॉक है। कहाँ पता कहाँ? ये तो पीहू का
जब कर रही है तुम बता 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 तुम्हारा तुम्हारा ऑब्वियसली किसके टच होगा ये पैनिक का है क्या ऑब्वियसली हम देखे थे तुम्हारी स्क्रीनशॉट हां ये कैसा आदमी है तुम कैसा आदमी है सब दिखा दी छुपाना भी नहीं आता इतना क्यूट है तुझे है ना और पता ये लूज आया था मम्मी इसको इंस्टेंटली टाइट किया हां तो सुनो दोस्तों सुनो 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 सबसे पहले इसको ये कपड़ा पहनाते हैं और तुम्हारे लिए सब कुछ है इसको रेडी करते हैं फिर मिलते हैं रुक जाओ ये देखो आकाश मत करो ये सब और सीरियसली ये पूरा जो बैकड्रॉप और मेरे ड्रेस का थीम है वो पिंक है और ये ड्रेस मेरे को इतना प्यारा लग रहा है वैसे तो देखा जाए तो ना हम ऐसा ड्रेस पहली बार पहन रहे पर दीदी हमको कहीं ना कहीं स्क्रीनशॉट में ये ड्रेस देख लेते लेकिन मेरे को फिर भी लगा था कि नहीं तुम नहीं लोगी क्योंकि हम ऐसे बहुत सारे कपड़े का लेते रहते हैं और मेरे को लगा ना कि अरमैनिक तो आएगा नहीं इतना जल्दी दोस्तों पूरा गिफ्ट मेरे तरफ से हाँ दोस्तों सारा गिफ्ट मेरा है दोस्तों पर ये देखो बैकड्रॉप से लेके एवरीथिंग मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना कि पूछो मत और अभी इतना सारा फोटोज क्लिक करना है कि नहीं पूछा नहीं अभी केक नहीं काट रहे हैं हाँ तो अभी चलो फटाफट से केक काटते हैं ओके तो जी दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टेबल नहीं था दैट्स व्हाई हमने ये जुगाड़ कर दिया और रानी भी बैठ गई है तो अभी केक काटा जाएगा हाँ क्या बोली तो अभी केक काटा जाएगा और इस प्यारे प्यारे फूल के साथ आप लोगों को भी केक खिलाया जाएगा तो चलो दीदी चाकू तो दो तो दोस्तों यहाँ पर केक कट होने की तैयारी हो चुकी है तो शुड वी स्टार्ट केक खोल ले क्या क्यों नहीं पहले केक काटो गिफ्ट अनबॉक्सिंग का अलग वीडियो बनेगा नहीं तो सामने अभी तो देखेगी ना भाई तो चलो स्टार्ट करो सब गाना गाना ठीक है रेडी स्टेडी एंड गो अरे 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 Happy birthday to you, happy birthday dear Rani, happy birthday to you. हम दीदी के जैसे हैं। God bless you. दोस्तों इग्नोर किया जाए रानी बोलो भाई तुम लोग आगे आता नहीं था तो हम गा दिए हाँ हाँ ठीक रानी कंटिन्यू हम दीदी के जैसे कैंडल से डरते नहीं हैं हाँ चल काम कर सब बुझा दे रहे एक और बाबू बुझाना था उड़ाना नहीं था देख रहे हो दोस्तों हमारा हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची का हमारे घर की सबसे छोटी बच्ची का बर्थडे मनाया जा रहा है हाँ और ये बच्ची अब आई डोंट थिंक ये बड़ी होगी ये अरे पाइनएप्पल फ्लेवर ना फेवरेट अब ये बच्चा वही रह जाएगा हमारे सब्सक्राइबर्स को आ करो ना जल्दी से जा खा लिया नहीं वो नीचे नहीं गिरा वो खा गया है इसलिए चाकू पे से गायब हो गया चढ़ गया भगवान जी को देख लो दोस्तों मेरे से ज्यादा आपको वैल्यू दे रही है ठीक है तू दोस्तों लीजिए दोस्तों लीजिए जी दोस्तों असुविधा के लिए खेद है क्योंकि हम लोगों ने उधर पार्टी एंजॉय किया फिर सारे दोस्त लोग मिलकर के खाने पीने लग गए तो वहाँ फिर हमने ना शूट नहीं किया ज़्यादा क्योंकि क्या होता है शूट करने के चक्कर में फिर हम लोग एंजॉय नहीं कर पाते खैर अभी हम लोग घर आ गए एंड अभी शाम के 7:30 बज रहे हैं एंड अभी है फैमिली टाइम मम्मी पापा सब इधर एक बार मिल लो पापा पापा मेरे हैंडसम दिख रहे दोस्तों अभी कैमरे के सामने कुछ नहीं बोलेंगे कैमरे के पीछे बहुत कुछ बोलेंगे मम्मी कुबेर का खजाना खोली थी अपना तो मेरी मम्मी कितनी सुंदर दिख रही दोस्तों एंड मम्मी तुम्हारा ब्लाउज का वो पीछे बो का डिजाइन एंड मेरे ड्रेस का ये डिजाइन सेम है खैर घर वाले सब निकल रहे सुची पीहू चाची सबको रेडी हो गई है रानी रेडी हो गई है अभी हम और आकाश जा रहे हैं रानी के लिए केक लेंगे और फिर बढ़ेंगे एंड एक और चीज़ ये जो ड्रेस आप देख रहे हो ना बेसिकली हम ये रानी के लिए लिए थे पर रानी बोली कि दीदी आज दिन भर तुम पुराना कपड़ा पहन रही हो हमको ठीक नहीं लग रहा है उसके पास एक नया था तो वो नया पहन लिया हम ये पहन लिए चलता है चलो सो दिस इज आवर केक आकाश हाउ डू यू लाइक इट सो जी हम लोग तो आ गए हैं रानी लोग पीछे हैं हम आकाश गुड्डू चाचा और सुची ओहो हाँ हाँ देख के चलो मेरे हाथ में इतना बड़ा केक है ना माय गॉड नहीं नहीं ठीक है चलो तो बस चलते हैं फिर रानी से मिलवाते हैं लेट है हम लोग काफ़ी ज़्यादा लेट है आई थिंक 45 मिनट्स लेट है बुकिंग जिस टाइम पर हमने करवाया था एक घंटा लेट है हम लोग आज लग रहा था कि लालपुर कितना दूर है मतलब केक लेके चलने का इतना झंझट दुनिया भर का गड्ढा आज हम लोग को मिला है मतलब सब गड्ढा आज हम लोग को मिला था और जाम बाप रे बाप हालत खराब हो गई जैसे तैसे पहुंचे ये मेरा ड्रेस डेकोरेशन बहुत बेकार क्या बोले जो फोटो दिखाया गया हमें वैसा बिल्कुल नहीं है ना बलून का कलर सेम है ना कुछ सेम है
वेरी 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 डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड. क्या ही कर सकते हैं, अब तो हो गया बर्बाद. मतलब हम लोग रेड गोल्डन बोले थे और ये क्या हो गया, और इतना कम, इतना सस्ता. जबकि आकाश हम लोग बोले थे ना कि बलून का क्वांटिटी बढ़ाने, लाइक 1000 रुपीज में 25 बलून. नानक ढाबा बाय द वे, आप लोग के इंफॉर्मेशन के लिए, गिन के 25 बलून दोस्तों 1000 रुपए में. ये देखो जी, ये लोग भी आ गए. नहीं सजाया हुआ है, पता नहीं था. बहन जितना अच्छा बोले थे ना उतना अच्छा कुछ नहीं सजाया. अभी देखो ना, अभी बलून फुला रहा है बोले तो. सबको आ गया, सबको आ गया. ए चप्पू, चप्पू इधर देख, भाग गया. देखो दोस्तों, देखो देखो रानी का ड्रेस. वाओ रानी लुकिंग गॉर्जियस. गॉर्जियस. सो गया तो चप्पू पता है गाड़ी पे. अभी हम लोग लिफ्ट में फंस गए थे, पता है, बोलता है घबराइएगा नहीं आप लोग. पापा एकदम बाल झाड़ के पूरा रेडी हो रहे हैं. चलो एटलीस्ट ये लोगों ने हमारे कंप्लेन को सुना, सो आई अप्रिशिएट कि फटाफट से ये लोग रेड बलून से थोड़ा जनसंख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. आई लाइक इट. तो जी दोस्तों, ये रानी का केक आ गया है, अब अच्छे से देखो. मेरे को पता नहीं थी क्या लगा ये बलून है. ना ना केक है ये रानी का, है तो. ये चप्पू रानी के पीछे पड़ गया है, बोल रहा है कि दीदी मेरे को आपके साथ रहना है. चलो थैंक गॉड कुछ बलून्स लग गए हैं तो भरा पूरा लग रहा है. एंड रानी को केक बहुत पसंद आया, हम बोले थे ना इस, है ना, इसीलिए दोपहर में हम सिंपल केक रखे थे क्योंकि फिर इधर के लिए कुछ स्पेशल नहीं बचता. तो दोपहर में बाकी सब स्पेशल था, केक सिंपल था, और अभी केक लाइक. सो जी अब कटेगा नहीं, फूटेगा केक. चलो रानी, रेडी स्टेडी एंड गो. हैप्पी बर्थडे टू यू, जोर से ताकत लगाओ. जा ये तो ब्लंडर हो गया. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, जोर से टू यू. हैप्पी बर्थडे डियर रानी, हैप्पी बर्थडे टू यू. अब इधर गुच्चा और चाची का अपना अलग ही रोमांस हो रहा है. बस चाची एंजॉइंग, खूब एंजॉइंग, ताकि हमको नहीं भूल सकती दोस्तों. तो अभी डिनर का प्लान बनेगा, खाना वाना ऑर्डर करते हैं, बीच बीच में जो भी कुछ हो रहा है आप साथ शेयर करते जाते हैं. हम लोग इतने ज्यादा लुल है कि रानी के लिए जो गिफ्ट लाए ना, एक गिफ्ट तो लिटरली हम घर में भूल गए, ठीक है, वो हम रात में दे देंगे. एंड जो पेंडेंट वगैरह है उसके अलावा भी ब्रेसलेट वगैरह है, हम लोग केक कट कर दिए, केक खिला दिए, और वो हुआ ही नहीं, फोटो वीडियो के चक्कर में रह गया. तो अभी अभी मम्मी निकाल रही है, और अभी ना थोड़ा वो मोमेंट भी देख लो आप लोग, पेंडेंट एंड ब्रेसलेट. हाँ जी, तो ये है रानी का गिफ्ट. रानी हमको ना पता था कि कुछ ना कुछ पापा तो देंगे, लेकिन ये स्टाइल अभी तो, ये सच बताओ ये चॉइस किसका है? ये चॉइस मेरा है. I knew it. तो जाइए आप लोग पहनाइए. अच्छा मेरे लिए भी, मम्मी आकाश पकड़ दो. अरे ये वाला है, और ये चीज पापा दोनों के लिए बनवाया. छोटा हो गया क्या? नहीं छोटा नहीं. तो ये देखो, ये देखो कैसा लग रहा, मस्त. ये चीज पापा ठीक किए दोनों के लिए. सो रानी के पदे पे मेरे को भी लग रहा है मिल ही गया तुम्हारा. वो बोलते हैं ना कितना जो मेहनत की उसका जो परिश्रम का फल मीठा होता है, ये वो मीठा फल है. सेम ना. अच्छा बाकी लॉकेट कितना सुंदर लग रहा है यार, इतना छोटू सा ही है. बहन पता है क्या बोले, ऐसी बहन मिल गई है ना. ये कल दिया था ना, अरे भूल जाएगा बहन. ये देखो थैंक यू सो मच. तो अभी खाना वाना ऑर्डर हुआ है, स्पेशल वेज थाली, क्योंकि वही यहाँ का बेस्ट है आई थिंक जितना हम लोगों ने खाया है. तो बस खाते हैं दोस्तों, बीच बीच में मोमेंट दिखाते रहते हैं आप लोगों को भी. बाय द वे ये ना हम लोगों का ऐसा पहला है कि हम लोग पूरे फैमिली वाले साथ में आए हैं. पापा जाते उतना नहीं कर पाते, पापा भी नहीं आते ज्यादा. पापा तो आते ही नहीं है. पापा आई थिंक फर्स्ट एक बार ले गए थे पिज्जा खिलाने और चाउमिन खिलाने जब हम लोग क्लास 2-3 में थे. उसके बाद पापा के साथ लिटरली हम लोग नहीं आए बाहर. पता दी तुम आज अच्छी लग रही हो, लगता है तुम्हारा ही बर्थडे.
नहीं ये कपड़ा रानी का था बट बहुत अच्छा लग रहा है। और ये बोली कि दीदी और ये पोल्का डॉट से आप लोगों को पता ही है ना कौन पहनता है, इसलिए तुमने पहनी। ऐसा बात नहीं पर जो प्रेग्नेंट होती है वो वैसा कुछ है नहीं सामने है। खैर खाने के साथ आप लोगों के साथ मिलते हैं, थोड़ा फैमिली टाइम भी एंजॉय कर लेते हैं यार। ब्लॉगिंग कम फैमिली टाइम ज्यादा। सो ये हमारा स्टार्टर है चना चिल्ली और सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। उधर चप्पू अपनी मम्मी को खिला रहा है। रानी आर यू एंजॉयिंग? तो पूरा एंजॉय कर रहा है। से थैंक्स टू मी। यू वेलकम। सो हमने आज डिनर के लिए ऑर्डर किया है स्पेशल वेज थाली एंड पापा चालू भी हो गए और चाची और गुड़चक आया भी नहीं है, वो लोग अपना वेट कर रहे हैं। मम्मी बोल रही है ना बहुत गर्म खाली है, मुंह जल गया। मम्मी का मुंह देखो ना इरिटेट हो रही है। मैं बोली बच्चा को फेल किया। पता है ये सब चीज अच्छा लगता है। क्यों क्यों हरकत कर रहे, उनको पता नहीं था कि गुलाब जामुन गर्म है, हम मुंह में डाल ली। क्यूट है यार मेरे पापा। तो फाइनली इतना मेहनत के बाद दीदी खाते हुए कैसा लग रहा? टू बी वेरी ऑनेस्ट दिन भर का ना मेरा पहला प्रॉपर मील है। सेम दीदी मैंने हम नहीं खा पाए, तुमको पता है। यही थी आज की वीडियो, ऐसे ही रहा कुछ रानी का बर्थडे। एंड बाय द वे गिफ्ट अनबॉक्सिंग हमने वहीं पर कर लिया था जिसका वीडियो हमने बनाया नहीं क्योंकि वी वर हैविंग आवर प्राइवेट टाइम। यस यस, तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो भी आएगी बहुत जल्दी, तुरंत आ जाएगी तुरंत। तब तक आप लोग बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और मेरी मेहनत कैसी लगी। तो वो कैसा लगा? मेरे को तो आज का दिन बहुत 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 अच्छा लगा और थैंक यू सो मच। और बताया आप लोग लेने भी नहीं सटाओ, सटाती नहीं है तो मज़ा नहीं आता है। और दूसरी बात मतलब कि इसका तबियत खराब था लेकिन फिर भी। खैर दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी, पसंद आए तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर टू आवर यूट्यूब चैनल और प्लीज भी जरूर करना कमेंट बॉक्स में एक बार फिर से और दीदी की मेहनत के लिए भी तारीफ कर देना और सबसे अच्छा पार्ट आपको कौन सा लगा ये भी बताना। तो बाय।